क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? वजह पूछ सकती हूँ मैं? क्यों इतने परेशान रहते हो? आखिर वजह क्या है? क्या पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मतलब है तुम्हारा? क्या अब हमें मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए होगी? पिछले चंद दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो ऐसे ही लगता है। What do you mean by this, अफान? तुम सच में बदल गए हो या सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है? I mean, what's wrong with you? मुझे लगता है कि तुम मुझ पे एतबार नहीं करती। दोस्ती और मोहब्बत की सबसे पहली सीढ़ी एतबार होती है। एतबार है, कर जब मैं तुम्हारी दिलचस्पी एनी में देखती हूँ तो। देखो, मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हें बताया था कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। बात क्यों नहीं करेंगे? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते अफान? सफाइयां देने से बात और कमजोर हो जाती है। जब तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है तो इन सब बातों का क्या मतलब? यकीन की बात मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हारे घर वालों को भी तुम पे नहीं है। मेरे घर वालों की तरह तुम्हें भी भड़काने वाली आयमा ही है। उसी ने तस्वीरें भेजी थी ना तुम्हें? हाँ, उसने ना सिर्फ मुझे तस्वीर भेजी है बल्कि कॉल भी की है। उस लड़की का काम यही है, लोगों की जिंदगी में फसाद मचाना। और तुम उस फजूल लड़की की बातों में आके मुझसे सवालात कर रही हो? ऐसा नहीं है, मुझे खुद ऐसा लगा। मेरा ख्याल है मेरा यहाँ वजीर बैठना बेकार है, मुझे जाना चाहिए। तुम तो लगता है तैयार बैठे थे मुझसे जान छुड़ाने के लिए। देखो सिद्रा, मेरा ख्याल है कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को सोचने का वक्त है, कि हम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें एनी अच्छी लगने लगी है? तुम जानती हो कि तुम मेरे दिल के कितने करीब हो, उसके बावजूद तुम गलतफहमी पाल रही हो। अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच पर। काश काश मुझे तुमसे मोहब्बत न होती तो इस बात में मैं तुम्हारी जबान खींच लेता।